जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बहुप्रतीक्षित कमेंट्स का वहाँ पर आंसर देने वाला हूँ और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो ही बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि कैन आई ड्राइव कमर्शियल व्हीकल फ्रॉम माई LMB NT लाइसेंस, यानी कि क्या मैं कमर्शियल गाड़ियों को अपने LMB NT लाइसेंस से चला सकती हूँ या नहीं। ठीक है, इसके ऊपर आज की वीडियो होने वाली है। इसमें आप अगर लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको नो डाउट कि सब कुछ पता लगने वाला है, चला सकते हैं नहीं, या चलाना चाहते हैं तो कौन सी शर्तें हैं, सारी चीज़ें मैं यहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करिएगा। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, लेकिन मैं आप सभी के लिए आप सभी के क्वेश्चन का आंसर देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करता हूँ। डेडिकेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, आप सभी के लिए हेल्प करता रहता हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स तक, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस RTO सेक्टर की आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे आपके मोबाइल। तो बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि LMB ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला एक ड्राइविंग लाइसेंस का पार्ट होता है। ठीक है, यह कैटेगरी है ड्राइविंग लाइसेंस की। तो LMV मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, और उनमें NT लगा होता है तो उसका मतलब होता है नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल फॉर नॉन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी। ठीक है, यह इसका फुल फॉर्म होता है। तो LMV NT लाइसेंस जो होता है, इससे आप कमर्शियल गाड़ियां चला सकते हैं नहीं, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जी, अगर आपके पास एक LMV NT लाइसेंस है और इससे आप अगर गुड्स व्हीकल चलाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर गुड्स व्हीकल चलाना चाहते हैं तो आप चला सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, चला सकते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त जुड़ी हुई है। ये शर्त ये कहती है कि आप चला तो सकते हैं, लेकिन जो गाड़ी आप चला रहे हैं उस गाड़ी का ग्रॉस वेट 7500 kg के अंदर होना चाहिए। ठीक है, 7500 किलो के अंदर की वजन की गाड़ी आप LMV NT लाइसेंस से चला सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सेपरेट कैटेगरी एंडोर्स करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप और भी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस वगैरह बनवाएं, हैवी लाइसेंस बनाएं। ठीक है, तो 7500 kg के अंदर चला सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं आपको अगर बोलेंगे तो टेलीग्राम पर वैसे भी भेजता रहता हूँ, या फिर आप इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़े रहेंगे तो आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, तो वहाँ पर भेज दूँगा। और साथ ही साथ आप बताना चाहता हूँ कि अगर आप LMV NT लाइसेंस से कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बताया, LMV NT लाइसेंस से आप कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको एक PSV बैज होल्ड करना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा। मसलन ओला, उबर, टैक्सी, टेम्पो, ऑटो, कोई भी गाड़ी अगर हो आप LMV NT से चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको PSV बैज, यानी कि PSV बैज का मतलब क्या है। PSV बैज के ऊपर तो वैसे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है ड्राइविंग लाइसेंस प्लेलिस्ट में, वीडियो आपको मिल जाएगी, आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, कि PSV बैज होता क्या है, कैसे बनता है, सब कुछ बताया, कितनी फीस होती है, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो PSV बैज का मतलब होता है पब्लिक सर्विस व्हीकल बैज। यह बैज आपके RTO से बनता है। ठीक है, आप तो ज़्यादातर केसेस में आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में ही ये कैटेगरी को वहाँ पर प्रिंट कर दिया जाता है कि ये PSV बैज होल्ड करता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान प्रक्रिया है, PSV बैज भी आप बनवा सकते हैं। तो LMV NT लाइसेंस बनाएंगे उसी के साथ में PSV बैज भी बन जाएगा, तो उससे आप किसी भी प्रकार की कमर्शियल, समझिए मैंने क्या बोला, कमर्शियल पैसेंजर गाड़ी चला सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। अब अगर आपकी गाड़ी का 7500 kg ग्रॉस वेट से ज़्यादा का वजन आ रहा है तो क्या होगा। तो इसके लिए भाई आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपकी गाड़ी अगर 7500 kg ज़्यादा के वजन की आ रही है तो आपको ट्रांस लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ट्रांस लाइसेंस, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांस लाइसेंस बनवाने के बाद आप 7500 kg से ऊपर और लगभग 10000 kg तक के वाहन आराम से चला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसमें आप गुड्स और पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल चला सकते हैं। गुड्स का क्या मतलब होता है, पैसेंजर क्या मतलब होता है। गुड्स वाहन, गुड्स व्हीकल वो होते हैं जो कि मालवाहक वाहन होते हैं, मतलब कि जैसे कि किसी ट्रक होती है जिसमें कि वहाँ पर सामान वगैरह एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है, कंटेनर्स होते हैं, ऐसे वाहनों को गुड्स व्हीकल बोला जाता है, जिसमें माल की ढुलाई की जाती है ऐसे व्हीकल्स को। और पैसेंजर व्हीकल होती हैं
कमर्शियल, जिनमें आप सवारी को बैठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो ट्रांस लाइसेंस से आप गुड्स और पैसेंजर दोनों तरह की कमर्शियल व्हीकल को चला सकते हैं। अब इसी में मैं आपको आगे जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर हैवी व्हीकल्स चलाना चाहते हैं, और भी व्हीकल जैसे कि ट्रेलर वगैरह होते हैं या फिर और बड़ी बड़ी व्हीकल्स जो होती हैं जो वन स्टेट टू अदर स्टेट इंटर स्टेट ट्रेवल करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिसका वजन 10,000 के जिस ऊपर हो जाता है, ऐसे वाहनों को आपको चलाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक हैवी लाइसेंस बनवाएँ, जिससे कि हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल HPMV होता है, गुड्स व्हीकल के लिए हैवी गुड्स मोटर व्हीकल होता है HGMV, और ट्रांस व्हीकल के लिए हैवी ट्रांस व्हीकल यानी कि HTV लाइसेंस होता है। यहीं पर अगर आप डीजल पेट्रोल वाली ट्रक को चलाते हैं, इंडियन ऑयल, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जैसे कि ये सभी अगर कंटेनर्स चलाते हैं जिसमें कि डीजल पेट्रोल या केरोसिन वगैरह होता है, इसको चलाने के लिए आपको HAZARDOUS कैटेगरी का लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ये भी हैवी का ही पार्ट होता है। केमिकल व्हीकल जैसे होती हैं तो ये सभी को चलाने के लिए अलग सेपरेट कैटेगरी होती है। ठीक, क्रेन चलानी है तो क्रेन का लाइसेंस अलग बनता है, JCB चलाना है तो JCB का अलग बनता है। ठीक, तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि आप कितने कैटेगरी तक की गाड़ियों को LMVNT से चला सकते हैं, क्या आप कमर्शियल गाड़ियों को LMVNT से चला सकते हैं, नहीं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पर। अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, जहन में हो, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली सजेशन, सुझाव, एडवाइस के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आइए। खासतौर पर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आकर @TechnicalRaju सर्च करेंगे तो आप हमको वहाँ पर, हम आपको सहायता करने के लिए तत्पर हैं, मिल जाएंगे। टैग करके ट्वीट कर दीजिए या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज करिए इंस्टाग्राम पे, फॉलो करके आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सभी प्रकार के PDFs, गैजेट्स, नोटिफिकेशंस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कराता हूँ, तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया लिंक दे रखा हो। यहाँ तक वीडियो देखा, कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर उसको मन में रखिए, क्वेश्चन पूछिए। मैं आप सभी के लिए मिलूंगा आपसे नए वीडियो में। तब तक अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना आपका काम है, आपको जानकारी और सही चीज़ों का नियम कानून बताना हमारा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।